स्क्रीन पर जुड़ते हुए दिखेंगे। थोड़ी ही समय में असित बरन पाथी साहब भी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। लेडीज फर्स्ट, कविता जैन जी से जुड़ते हैं और डायरेक्टर साहब सबसे पहले लाइए दीपक नाइट्राइट का चार्ट। आपको एक रिकॉर्ड हाई इस काउंटर पर लगता हुआ दिखेगा और कल जब आप हमारे साथ थे कमाई के अड्डे में तो एक BTST कॉल आपको कविता जी ने देती हुई दिखी थी। कविता जी, ये शानदार अप्लॉज आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट जब से आपने ये स्टॉक दिया अब तक। फिलहाल तो आपके सामने यूँ समझिए कि ये लगभग 4.25% ऊपर है, लेकिन इसमें तेज़ी बहुत बढ़िया से आपने पकड़ी थी कल दोपहर को 3 बजे के बाद। अब एनालाइज कीजिए ट्रेड और ये आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू शैल सर, थैंक यू एवरीवन। वेल, दीपक नाइट्राइट को अगर हम दोबारा देखें तो स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी है, कल इसके रिजल्ट्स भी हैं, अप टू कमिंग रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी भी दीपक नाइट्राइट का चार्ट काफी अच्छा है और शॉर्ट टर्म पर आप देखें तो इस पर एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, तो स्टिल बुलिश जो लोग कल लेकर गए हैं उन्हें अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेना चाहिए, 1090 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें। रैली अपसाइड अभी भी कंटिन्यू रह सकती है, 1170-80 के लेवल्स के लिए आप इसको फर्दर अप्रोच कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट को। चलिए, तो जो कल का लक्ष्य था वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ से भी एक लॉन्ग कॉल आपको देती हुई दिख रही है कविता जी। तो ये तो एक रीचेक हुआ ट्रेड पर। कविता जी, आज के सत्र के लिए कोई बढ़िया कॉल शेयर कीजिए जो अगले 80 मिनट आपको धमाल करती हुई दिखे। वेल शैल सर, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है पर मुझे काफी हद तक लग रहा है कि अगर 15165 का लेवल टूटा तो एक फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम पर मुझे डबल बॉटम का जो दिखता है वो लगता है 15200-15220 तक मूव करेगा। वेयर इज स्टॉक स्पेसिफिक में जो मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है वो एचयूएल आप देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 2264 के लेवल्स पर है, प्राइस एक्शन है, हायर हाई फॉर्मेशन अगर आप इस पे डेली चार्ट भी देखें तो एवरेजेस को बहुत अच्छे से इसने प्लेस कर रखा है और अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज पर इसने एक सपोर्ट लिया है, तो 2264 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है इंट्राडे में ये 2288-2294 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है और थोड़ा सा समय अगर इसे दें 1 या 2 दिन का तो मुझे लगता है 2300-2320 तक के टारगेट्स हम इस पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 2253 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसको पोजिशनली भी बाय के लिए लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये कमेंट्री थी कविता की एचयूएल पे, इट्स अ बाय, करीब करीब 2278 का लक्ष्य है, 2294 का लक्ष्य है, करीब 2256 का स्टॉप लॉस है। आज ये पूरी का पूरा स्पेस जो है, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो